नमस्कार किशन भाइयों, वर्ल्ड ग्रीन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अतुल रूपाला, आज हमारे साथ में हमारा किशन भाई, क्या नाम है आपका? धर्मेश नाकराणी। धर्मेश भाई नाकराणी, गांव लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीपुर देसलपुर नखत्राणा कच्छ से है। और धर्मेश भाई कब का इथराइल है? 10/9 ना छे इथराइल, 10/9/2022 को इथराइल मारा है। और कुदरत नहीं, 12 तारीख को पहला बारिश के तौर से इथराइल मारने के बाद तीसरे दिन पे बारिश आ गई, वही पहला पानी समझ लो। आज है 6 तारीख, 6/11 तो आज हो गया 55 दिन के आसपास में, 55 दिन हो गया है। देखो आप इसमें फ्रूट सेटिंग देखो, 55 दिन के अंदर देख सकते हो, साइज भी देखो, 55 दिन में बहुत अच्छी साइज है, नया सेटिंग भी चालू है सब कुछ। और पेरू आकार से देखो, ये 70-80 ग्राम की तो अभी 55 दिन में हो गई है। और छोटी भी बहुत सारी फ्रूट लगे हुए है, मेन काड़ी पे है। आप हर पौधे में देख सकते हो, बहुत अच्छा सेटिंग है। और ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 450 से आगे उसके अंदर सीड हो गए, यानी कि 500 से ऊपर सीड रहेंगे तो एवरेज 200-250-300 ग्राम से ऊपर की साइज बनेगी। और अभी हमें ये प्लॉट में, पूरे प्लॉट में कितने पौधे हैं? 2200 पौधे हैं इसमें। अभी आज ही हमने अभी मंत्रणा की और सोचा कि फ्रूट बैग लगावे, तो फ्रूट बैग लगाने का सोच रहे है। तो हर फ्रूट के ऊपर सनबर्न नहीं लगे, इसके लिए फ्रूट बैग लगाएंगे। आप देख सकते हो माल, देखो इसमें हमने थ्रिप्स और माइट्स के लिए हमारा रुसब गोल्ड 3-4 बार स्प्रे, एक्चुअली 5-7 बार स्प्रे हुआ है। और फ्लावरिंग के लिए किसान प्लस प्लस यूज हुआ है, जेसिड एफिड के लिए एक्सीलेंट ग्रीन यूज हुआ है, इल्ली के लिए प्रोजन सुपर यूज हुआ है, और रूट के लिए एक्स गोल्ड यूज किया हुआ है। और एक हमने जो स्लरी बनाई हुई है वो स्लरी भी रेगुलर जाती है। आप देख सकते हो बहुत अच्छा सेटिंग है, देखो धर्मेश भाई की मेहनत रंग लाई। अभी ग्रीन स्टेज में डाइवर्ट होने का चालू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन में अभी डाइवर्ट होगा, देख सकते हो। और उनके खेत के पास में विंड फार्म भी है, देख सकते हो अभी स्टार्ट हुआ है विंड फार्म भी, बहुत अच्छी साइज जाएगी, जबरदस्त